फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज है 16 अक्टूबर और आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है प्राची जी ने, जो हमारे ही इंस्टीट्यूट न्यू एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जो ऊंचाहार में है, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, यहाँ से बिलोंग करती है। और प्राची ने बताया कि उन्होंने अपने एग्जाम में 90 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं। अब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में देखते हैं कि कितना इन्होंने सही किया था और कितना गलत। इसके अलावा सेंड किया था कवल जीत जी ने, तो इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची जी ने मेरे पास आज लगभग 60 प्लस क्वेश्चन सेंड किए थे जो इनको याद थे क्योंकि एग्जाम में आए हुए थे। कुछ क्वेश्चन नए भी देखने को मिले थे, वो क्वेश्चन भी उन्होंने हमारे पास सेंड किया है। उन क्वेश्चन को आगे क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस यहां पर हैं उन क्वेश्चंस को आप देखेगा। जिनका नेक्स्ट एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करें। स्टूडेंट्स, आप भी एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन हमारे पास जरूर सेंड करिएगा। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। दो दो आइडिया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, दोनों पे आप किसी में भी सेंड कर देंगे तो वहां से मुझे मिल जाएगा। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर सेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो क्वेश्चन हमारे पास सेंड किया था प्राची जी ने वो यहां पर आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है SSL स्टैंड फॉर, अर्थात SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लाइन, या फिर सिक्योर सॉट्स लेयर। हर क्वेश्चन को आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए और 3 सेकंड की टाइमिंग में आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। तो जल्दी से बताइए। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सिक्योर, सॉरी ऑप्शन सेकंड, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है ना, राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सेकंड, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी एग्जाम में नए नए फुल फॉर्म्स पर डे देखने को मिल रहे हैं, तो जितने भी फुल फॉर्म एग्जाम में आ रहे हैं उसके लिए एक वीडियो मैंने क्रिएट किया था अभी एग्जाम टाइम पे ही। और एग्जाम के बाद जिनका नवंबर में एग्जाम है तो इस मंथ में जो भी नए फुल फॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं उनका एक अलग से कलेक्शन आपको मिलेगा। तो नवंबर में जिनका एग्जाम है चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम ISP है VSNL, BSNL, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर IBM। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, VSNL। ISP भारत का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो भारत का जो पहला सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का वो है आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है ना, BSNL आप सभी जानते हैं, BSNL की सिम यूज करते हैं, भारत की एक सरकारी संस्था है। जबकि VSNL है ना, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत को सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा प्रदान कराई थी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउस को राइट बटन को लेफ्ट बना सकते हैं, अर्थात माउस के राइट बटन को, ठीक है ना, लेफ्ट बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन मैं पर डे देख रहा हूं जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सेंड करते हैं, तो ये सबके एग्जाम में मिल रहा है कि माउस के राइट बटन को लेफ्ट बना सकते हैं या फिर नहीं, ट्रू या फॉल्स में आता है। बहुत सारे लोग पर डे कमेंट्स कर रहे हैं कि ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन अब मैक्सिमम 10 या 15 ही आते हैं या फिर एग्जाम में 2-4-6 ही मिलते हैं। मैं बार बार ही बताता हूं लेकिन फिर भी कल किसी ने कमेंट किया था कि सर एग्जाम में मेरे तो मात्र 10 ट्रू एंड फॉल्स आए थे, आपने 50 बताए थे। तो 50 मैंने बताया ही नहीं, 50 तो अगस्त के पहले था, अब क्या है बहुत ही कम है, मैक्सिमम 10 या 15 ही ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, बाकी सभी ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट, फ्लोर 1109.11 का मान कितना होगा? सेलिंग और फ्लोर, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है,
आज मॉर्निंग में जो 9:30 बजे मैंने क्लास ली थी उसमें भी आपको सेलिंग फ्लोर और जितने भी पेमेंट सर्विस ऐप हैं, जैसे NEFT है आपका, ठीक है ना, RTGS, IMPS, भीम है, UPI है, पेटीएम है, इन सब की टाइमिंग क्या है, कब लॉन्च किया गया, एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक बार में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सभी का एक साथ कलेक्शन के लिए डिमांड थी, तो वीडियो मैंने पोस्ट किया था 9:30 बजे, वो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। यहां पर है एकल फ्लोर 1109, 11 का मान कितना होगा, ठीक है ना, 1111, 1100, 1110 या फिर 0। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए कैल्क ओपन कर लेते हैं और वहां पर आपको दिखाते हैं, वैसे इसका राइट आंसर पहले बता दे रहा हूं आपको, राइट आंसर होगा इसका 1100, ठीक है ना, कैसे होगा वो देख लीजिए, दिया है 1109, ठीक है ना, और दूसरी संख्या है यहां पर 11। तो सेलिंग और फ्लोर फार्मूला क्या करता है, अब जैसे यहां पर देखिए आपका जो 1109 है क्या पूरी तरह से आपका ये डिवाइड है 11 से, तो बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो आप यहां पर डेसिमल में नंबर आ रहे हैं, तो डेसिमल में नंबर आने का मतलब है कि दूसरी संख्या से पूरी तरह से डिवाइड नहीं। तो सेलिंग और फ्लोर फार्मूला क्या करता है, हमें एक ऐसी संख्या देता है जो दूसरी संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब देखिए यहां पर यूज करते हैं फ्लोर का, तो इक्वल फ्लोर, ठीक है ना, देन यहां पर हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद यहां पर हमको सेलेक्ट करना है 1109 को, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद यहां पर सेलेक्ट करना है हमें 11 को, 11 को सेलेक्ट करने के बाद कर देंगे यहां से हम ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज में जैसे ही आप एंटर करते हो तो देखिए राइट आंसर क्या हो गया यहां पर 1100। अब आप चेक करिए 1100 को कि क्या यह 11 से डिवाइड है या फिर नहीं है, वैसे नॉर्मली भी आप जानते हो, देखिए डिवाइड हो गया, आ गया आंसर 100। अगर यहीं पर सेलिंग फार्मूले का यूज होता, ठीक है ना, सेलिंग का, तो आंसर यहां पर क्या होता, तो यहां पर आंसर होता आपका 1111। कैसे होता, देखिए 1109 को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, 11 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, तो देखिए यहां पर 1111 आ गया आपका आंसर, क्योंकि सेलिंग फार्मूला इंक्रीज करके संख्या देता है और फ्लोर फार्मूला आपको डिक्रीज करके संख्या देता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको सेलिंग और फ्लोर। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, राइट आंसर यहां पर क्या है, ऑप्शन सेकेंड, फ्लोर। अब आगे देखते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल सेलेक्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अर्थात एक सिंगल सेल सेलेक्ट करने के लिए हम निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस स्टार, कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस एंड कंट्रोल प्लस डॉलर। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस स्टार, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस स्टार कैसे होता है, तो देखिए ये है आपका कैल्क, मान लीजिए मुझे ये सेल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबाएंगे और कंट्रोल के साथ में आप स्टार प्रेस करोगे, है ना, तो कैसे करेंगे यहां पर देखिए, सॉरी, तो कंट्रोल के साथ में आप स्टार प्रेस करके क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाट कैन यू डू इट विद कंट्रोल आई, अर्थात कंट्रोल वाई के साथ में आप क्या कर सकते हो, या कंट्रोल वाई प्रेस करने पर क्या होता है, या कंट्रोल वाई को किस लिए यूज किया जाता है, रीजू, अंडू, बैक या फिर बैक स्पेस, जल्दी बताइए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, रीडू, कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग रीडू में करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है, तो अंडू भी एग्जाम में आता है, तो अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड एंड रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, URI का पूर्ण रूप क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिटी या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सेकेंड, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, याद रखिएगा ऐसे ही URL आता है, तो URL का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहां पर है URI, URI में I क्या प्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिफायर को, बाकी आपका UR का फुल फॉर्म वही है, तो याद रखिएगा एग्जाम में ऐसे भी आता है कि URI में आई क्या प्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट, बाडा इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, बाडा ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन है,
तो जल्दी बताइए वाडा क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट टू, ठीक है ना। वाडा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये कैसा है, तो ये मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो टैबलेट्स कंप्यूटर्स होते हैं उसमें भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MMID डिजिट नंबर, अर्थात MMID में कितने डिजिट होते हैं या कितने डिजिट का होता है, 5, 7, 11 या फिर 13। तो स्टूडेंट्स MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने डिजिट का होता है, तो ये होता है 7 डिजिट का, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां क्वेश्चन है Ubuntu डेवलप्ड बाय, Ubuntu का आविष्कार किसने किया, आपके ऑप्शंस हैं मार्क शटलवर्थ, मार्क एंडरसन, रॉबर्ट नोइक या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मार्क शटलवर्थ, ठीक है ना। Ubuntu आप सभी जानते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो Ubuntu का आविष्कार किया था मार्क शटलवर्थ ने। मार्क एंडरसन ने किया क्या था, तो मार्क एंडरसन ने जो पहला आपका ग्राफिकल वेब ब्राउजर है मोजाइक, उसका निर्माण किया था मार्क एंडरसन ने। रॉबर्ट नोइक ने जेएस केलवी के साथ मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था, याद रखिएगा रॉबर्ट नोइक और जेएस केलवी ने आईसी चिप अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, SBI, PNB, BOB या फिर RBI। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो SBI आपका सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म, PNB का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक, BOB का फुल फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा एंड RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RPM स्टैंड फॉर रिवोल्यूशंस पर मिनट, रेट पर मिनट, रेशियो पर मिनट या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। पर डे एग्जाम में बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइए। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन फर्स्ट, रिवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है ना, RPM। अब नेक्स्ट, व्हाट विल द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना, याद रखिएगा काफी बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ इंटेल, इंटेल के फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन हमसे आज पूछा था एनके कुमार जी ने, उनके एग्जाम में शायद क्वेश्चन आया रहा हो, एक साथ उन्होंने क्वेश्चन मेरे पास नहीं सेंड किया, आज लाइव चैट में क्वेश्चन किया था। तो इंटेल के फाउंडर कौन है, गॉर्डन मॉरी, रॉबर्ट, जैक मैकार्थी या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गॉर्डन मॉरी। गॉर्डन मॉरी ने क्या किया था, इंटेल का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टूल में टेबल में कितने डिफॉल्ट रो और कॉलम होते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही था, 5.2, 5.5, 2.2 या फिर 2.3। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड टूल बार में टेबल, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए हम आपको ओपन करके दिखाते हैं राइटर को, वैसे इसका राइट आंसर होगा 2.0, ठीक है, सॉरी 2.2। देखिए यहां पर टेबल दिया है, टेबल में इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया है, इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करते हो तो यहां पर आप देख सकते हो कॉलम की संख्या भी 2 है और रो की संख्या भी आपकी 2 ही है ना, इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहीं पर आपका क्या है, कॉलम भी है और रो भी है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन किस टूल बार में मिलता है, तो वर्ड काउंट भी आपको स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत ही मिलेगा, क्योंकि उसी के अंतर्गत टूल्स मेनू आती है और वहीं पर आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहां क्वेश्चन क्या था आपका, टेबल में बाय डिफॉल्ट रो एंड कॉलम, पहले भी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो 2.2 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज ब्रेक शॉर्टकट की, पेज ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+Shift+Enter, Ctrl+Enter, Alt+Enter एंड नोटा, इनमें से कोई नहीं।
तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या है, पेज ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर का। याद रखिएगा काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप आईडी किससे बना सकते हैं, ईमेल, फोन, ए एंड बी दोनों या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सेकेंड फोन, ठीक है ना, यहां फोन नंबर होना चाहिए था, ठीक है ना, मोबाइल नंबर। तो व्हाट्सएप आईडी हम मोबाइल नंबर के द्वारा बना सकते हैं, ईमेल आईडी के द्वारा व्हाट्सएप नहीं चलाया जाता है, सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा व्हाट्सएप आईडी हम मोबाइल नंबर से ही चला सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि विंडोज क्या है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ट्रू है, विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब नेक्स्ट, नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है, आप लिब्रा ऑफिस यूज करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन है आपका नेविगेटर का, तो नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस फाइव, सॉरी एफ फाइव, एफ सिक्स, एफ फाइव या आल्ट प्लस एफ फाइव। स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड एफ फाइव। स्टूडेंट्स आज वीडियो में काफी बाहर की भी नॉइस आपको आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, एग्जाम चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है अपलोड करना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट किया करते हैं, इसीलिए जो नॉइज है उसके लिए मैं आपसे बार बार सॉरी बोलता हूं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे आ रहे हैं, जैसे URL का फुल फॉर्म, URI का फुल फॉर्म, भीम का फुल फॉर्म, WWW का फुल फॉर्म। तो URI का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया ही क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, है ना। URL पूछता है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी जानते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है, भीम का तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है भीम ऐप का फुल फॉर्म। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखिएगा ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का आविष्कार या किसके द्वारा डेवलप किया गया है ईमेल, तो ईमेल डेवलप किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा, है ना, सॉरी टिम बर्नर्स ली तो WWW के हैं, ईमेल के हैं रे टॉमलिंसन, याद रखिएगा मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी मिस्टेक्स पर डे होती रहती है, तो ईमेल के हैं रे टॉमलिंसन। और WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, और इसके कौन है टिम बर्नर्स ली। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ रहा है WWW, ठीक है ना, चार बार W, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब वार, ठीक है ना। WWW क्या है, तो WWW आपका एक वेब ब्राउजर है, और इस वेब ब्राउजर के लिए WWW आपका एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा ये भी आ सकता है एग्जाम में कि WWW क्या है, तो एक सर्च इंजन है, और ये आपका क्या है, वेब ब्राउजर है, और इस वेब ब्राउजर के लिए ही ये सर्च इंजन बनाया गया था, जिसका अब तो बहुत ही कम यूज होता है, लगभग ना के बराबर यूज होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इक्वल सम 2, product 5, 7 यहां पर डबल ब्रैकेट का मान कितना होगा, 35, 37, 70 या फिर 17। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन सेकेंड 37 होगा, ठीक है ना, कैसे होता है ये भी आपको दिखाते हैं। तो एक स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैल्क में हम ओपन करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट 2, product, ठीक है ना, देन 5, 2, close, then close। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पहले यहां पर क्या हुआ है, तो इक्वल प्रोडक्ट 5, 2 कितना हो गया, यहां पर 10 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप इंटर करते हैं तो राइट आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लेते हैं, यहां पर 5, 7 था और मैंने वहां पर क्या लिख दिया था, 5, 2। तो यहां पर देखिए 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट करेंगे तो गुणा करने पे कितना हो गया, 5 का गुणा अगर आप 7 में करते हैं आंसर कितना आएगा, 35।
ठीक है ना। और 35 की बात यहां पर हो जाएगा 2,35, तो इक्वल सम 2,35 का मान कितना हो जाएगा 37, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते थे ओरल, काफी सिंपल है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कहीं पर अगर जोड़ घटाना गुणा भाग करना है तो सबसे पहले भाग का काम होता है, फिर गुणा करने का, फिर जोड़ने का और फिर घटाने का। इसी तरह यहां पर भी पहले प्रोडक्ट किया गया फिर सम किया गया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 37। अब आगे राइटर में क्या सिलेक्ट करके या फिर क्या करके डाटा ईमेल में भेज सकते हैं, सेव को सिलेक्ट करके, सेव एज करके, सेव ऑल करके या फिर सेव रिमोट करके। स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फोर्थ सेव रिमोट। जब लिब्रा ऑफिस का ट्यूटोरियल मैंने पढ़ाया था तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार आप सेव रिमोट और ओपन रिमोट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और इसका क्या यूज है, कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझाया था। देखिए ये है आपका लिब्रा ऑफिस राइटर और यहां पर फाइल मेनू के अंतर्गत आपको यहां पर दिया है ओपन रिमोट का ऑप्शन और उसके बाद यहां पर आप नीचे देखोगे सेव एस के बाद तो सेव रिमोट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सेव रिमोट का यूज कर सकते हैं आप अपने डाटा को डायरेक्टली गूगल ड्राइव पर या फिर ईमेल पर सेंड करने के लिए। अब यहां पर एड सर्विस दिया है, एड सर्विस में आपको गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस लोकेशन में आप सेव करना चाहते हो उस लोकेशन पे आप सेव कर सकते हो, ठीक है ना। तो राइट आंसर वहां पर क्या हो जाएगा आपका सेव रिमोट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और आसानी से मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आसानी से आप सभी वीडियोस देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल जिनका भी एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7 बजे की क्लास जरूर अटेंड कर लेंगे और कल एक क्लास लगभग 10 बजे के बाद, 10 से 11 के बीच में भी होगी। तो जिनका कल एग्जाम है वो दिन भर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, उनको पल पल की अपडेट्स मिलती रहेगी, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहेंगे उनको हम डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचा है और लास्ट डे पे ज्यादा लोगों का एग्जाम होता है। इस बार 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को बहुत सारे लोगों का एग्जाम है, तो कल दिन भर में कई सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, तो सभी के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आसानी से आप सभी वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई